नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तीन विषय, उसमें से एक विषय थोड़ा ऐसा जिसपे आंखें नम हो और आपको शहीदों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दे के इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण रखा है उस पर। तो पहला विषय, क्या 2024 में शहीदों के नाम पर वोट नहीं मिलेगा? दूसरा, क्या इंडिया रोज मजबूत हो रहा है? तीसरा, क्या तेलंगाना की रैली चुनाव नतीजे तय करेगी? इन तीनों विषयों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक आग्रह आपसे और करता रहूँगा, मुझे लगता है रोज़ करना चाहिए, थोड़ा अपने दोस्त मित्रों से भी, अगर आपको लगता है कि चैनल में सार्थक खबरें आ रही हैं और ये ठीक है, तो हफ्ते में एक बार फ़ोन कर दें या घर में किसी और से कहें, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए। इसके अलावा जो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं वो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है। अगर आप एक बार कमिटमेंट नहीं करना चाहते हर महीने का, तो एक बार, एक मुश्त, एक साथ भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी होती है। तो सबसे पहली बात, क्या 2024 में शहीदों के नाम पर वोट नहीं मिलेगा? मैं पहले एक घटना जो हुई है और जिसको हम सब लोगों को एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, आदर के रूप में, और इस उसमें कि वो उन लोगों ने अपनी जान देकर भी देश की रक्षा की और हमारे और आपके लिए उन्होंने जान दी है, कुर्बानी दी है, कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स। ये मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो कल एक आतंकी मुठभेड़ में श्रीनगर के अनंतनाग ज़िले में, जिनकी आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ में जो शहीद हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स, डेकोरेटेड सोल्जर, सेकेंड जनरेशन के अफसर। सेकेंड जनरेशन के अफसर मतलब इनके पिताजी भी फौज में थे, ओरिजिनली सिख लाइट इन्फेंट्री से, इनके पिताजी भी सिख लाइट इन्फेंट्री से थे। इन कर्नल साहब का आपको सुन के मतलब आपकी आंखें भीग जाएंगी। माँ, पत्नी और एक 6 साल का बेटा और एक 2 साल की बेटी इनके पीछे छूटे हैं। दूसरे शहीद हैं मेजर आशीष धोनचक, हरियाणा के रहने वाले। तीसरे डिप्टी एसपी साहब हैं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट साहब, जो शहीद हुए कल। ये इनके पिता जो थे वो 2018 में एज आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस रिटायर हुए थे, गुलाम हसन भट्ट साहब, और 2018 में इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन की, अभी DYSP थे। उनके पीछे पत्नी और 1 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। मैं ये जो कार्रवाई हुई थी, एक जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी और पुलिस के साथ, अनंतनाग श्रीनगर के साउथ ऑफ श्रीनगर पड़ता है, इसकी सीमा आगे, ये मिलिटेंट प्रोन एरिया है, जो क्योंकि पाकिस्तान से इसकी सीमा मिलती है। जो राष्ट्रीय राइफल्स है वो एक काउंटर इंसर्जेंसी के लिए ये रेस की गई थी फोर्स 1990 में, खास करके जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। ये जब जॉइंट ऑपरेशन हुआ, इन लोगों को सूचना मिली कि कुछ मिलिटेंट अनंतनाग में के पास जो जंगल है उसमें उनका मूवमेंट देखा गया है। मंगल को इन लोग ने वो ऑपरेशन शुरू किया, पूरी रात, मतलब ट्यूसडे की रात पूरी देर वो ऑपरेशन चला। वेडनेसडे की सुबह जब इन लोग कहीं जंगल के बहुत पास थे, जंगल के अंदर ही ऑपरेशन कर रहे थे, तो घात लगा के उन आतंकियों ने जो बेटर पोजीशन थे और बेटर जगह प्लेस थे, इन तीन हमारे जांबाज अफसरों की, ये शहीद हुए। और इतना टाइम नहीं मिला था क्योंकि रिटेलिएशन कोई फायर हो, हालांकि वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुछ जैसा अस्पष्ट सूत्रों से पता लग रहा है कि कुछ एक दो सैनिकों को और वो मिलिटेंट्स उठा के लेते गए हैं। ट्यूसडे की रात में ऑपरेशन शुरू हुआ था, वेडनेसडे की सुबह ये काम हुआ है। अब इसमें कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये जो मोदी जी की डबल ट्रिपल इंजन सरकार है, जो जम्मू कश्मीर में तो भाई मतलब इन्हीं का इंजन ही इंजन है, उसमें कोई डिब्बे तो है नहीं, मोदी जी से लेके नीचे तक सब इंजन है, सब इन्हीं के आदमी। याद करिए, वो 2014 से है, 2014 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, 2015 में भारतीय जनता पार्टी और PDP ने मिलकर सरकार बनाई, फिर वो सरकार गिरी, प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया 2018 में,
और प्रेसिडेंट रूल का मतलब सेंट्रल की सरकार। 2019 में आपने वहाँ 370 हटा के आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया और डायरेक्ट आप उसको गवर्न कर रहे हैं सेंटर से। क्या गवर्नेंस हो रही है? क्योंकि वहाँ कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई विपक्षी पार्टी की सरकार है या आपको कोई वो किया जा रहा है, वहाँ आप डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, धारा 370 जब आपने हटाई थी तो आपने कहा था कि सब कुछ ये ठीक हो जाएगा और इसी को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है 370 हटने के बाद भी हमारे अफसरों की जाने जा रही हैं, हमारे सिविलियंस की जाने जा रही हैं, ये सिलसिला रुकेगा कब, इसका वो होगा? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी 3 शहादत अभी हुई, 5 लोग रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र कब बहाल होगा जम्मू कश्मीर में? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भाजपा की सरकार से पूछ रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन कब कराओगे, और जम्मू कश्मीर को आपने कहा था कि स्टेटहुड हो जाएगा जब 2019 में आपने वहाँ 370 धारा हटाई थी और स्टेट को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और उसका स्टेटहुड से उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया था, तब आपने कहा था कि इसको जल्दी ही हम स्टेटहुड देंगे, तो कब कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, तो ये 2 प्रश्न का आंसर तो देना ही होगा। मैं इसको इसलिए इन चीज़ों को नहीं जोड़ा कि मुझे अजीब मन खिन्न हो गया था। मोदी जी, ये सुबह बुध की सुबह ये खबर आई, पूरा देश स्तब्ध था अपने जवानों के लिए, लेकिन मोदी जी भाजपा कार्यालय में एक स्वप्रायोजित, मतलब एक भाजपा ही द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में अपना स्वागत करा रहे थे। तो स्वागत पंखुड़ी फेंकी जा रही थी और ये सब हो रहा था। क्या ये सरकारी कार्यक्रम था? मतलब कई सरकारी कार्यक्रम कई बार होता है कि रुक नहीं सकते हैं। अब चंद्रयान का अगर आपने ये कर दिया कि इतने बजकर इतने मिनट पे उसको लॉन्च होना है, तो इस तरह की कोई घटना भी हो जाए तो वो तो रुकेगा नहीं। तो क्या इस तरह का कोई सरकारी कार्यक्रम था कि ये कार्यक्रम रुक नहीं सकता था या टाला नहीं जा सकता था, या ये सरकारी नहीं था और इसलिए बीजेपी को इससे क्या मतलब? भाई किसी का हुआ, मेरे हिसाब से भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला नहीं, प्रधानमंत्री जी का देश में आपके जवान शहीद हो रहे हैं, तो क्या आप जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं? बाकी जगह के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जम्मू कश्मीर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, आप नहीं पुलवामा में और बालाकोट उसके बाद करके कितने वोट बटोरे थे। आपने यूथ से कहा था ना, आपने नौजवानों से कहा था कि पहली बार वोट देने जा रहे हो तो बालाकोट और पुलवामा के शहीदों को याद कर, ये सब आपने भाषण दिए थे ना, तो क्या हुआ? क्योंकि पूरे देश को याद है कि जब पुलवामा हुआ उस समय भी आप जिम कॉर्बेट में या किसी इस तरह के राष्ट्रीय पार्क में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहा था, और आप 3-4 घंटे तक आपसे ये कहा जाता है कि आपसे बात नहीं हो सकती थी। दूसरा, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उनके लोग मारे गए हैं, उनके डायरेक्ट उनके जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उस डिफेंस मिनिस्टर हैं, और राजनाथ सिंह जी उस उल्लास और उस आनंद का हिस्सा बन रहे थे शाम को, जहां स्वागत और उल्लास मनाया जा रहा था। राजनाथ सिंह जी, आपको तो कम से कम डिफेंस मिनिस्टर हैं, कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए थी। और अमित शाह साहब गृह मंत्री, आपका तो कहना ही क्या, क्योंकि आप क्यों गए? आपको भाई आपके लिए कश्मीर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हर जगह तो बताते हैं, लोगों को सलाह देते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये लोग या तो कोई योग की चरम पराकाष्ठा पे हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ये सब जन्म में मरण में अच्छे में बुरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये लगता है कि ये तो ऐसे हैं जो अपनी गाली तक का हिसाब रखते हैं कि अब तक इनको 91 बार गाली दी गई है, तो ऐसा व्यक्ति तो आध्यात्मिक रूप से इतना प्रचंड नहीं हो सकता है इतना कि उसको याद ही ना रहे। क्या केवल वोट और चुनाव ही समझ में आता है इस पार्टी को और कुछ समझ में नहीं आता है?
और ये लगता है कि नहीं नहीं अब इससे जितना शहीदों के नाम पे और उनके नाम पे जितना वोट लेना था अब वोट नहीं देंगे लोग, क्योंकि लोग अब इसको चाल समझने लगे हैं। लोग ये समझ गए हैं कि केवल चाल है शहीदों के नाम पे वोट मांगना। एक इंसानियत की बात भी है, सारी बातें छोड़ दीजिए, ना कोई प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं है, किसी मंत्री से प्रश्न नहीं है, किसी व्यवस्था से प्रश्न नहीं है, लेकिन एक इंसान से तो प्रश्न है। अगर घर में इस तरह की बात हुई हो, जवान शहीद हुए हों, तो शाम को जिस तरह का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था वो क्या किसी किसान के लिए ठीक है? लेकिन फिर याद आती है बात सतपाल मलिक जी की, जो कहते हैं कि वो व्यक्ति का जो व्यक्ति ये कहे कि किसान क्या मेरे लिए मरे थे, उससे इस तरह की अपेक्षा रखना भी क्या उचित है? अब दूसरी बात, क्या इंडिया रोज मजबूत हो रहा है? ये मैं इसलिए बोला कि कल ही बुधवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक बैठक दिल्ली में शरद पवार जी के घर पे हुई। सारे घटक दल के जो बनाई गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके सब सदस्य आए, दो को छोड़ के। ममता बनर्जी टीएमसी के से कोई नहीं आया, लेकिन एक सीट खाली रखे गए सिंबल के रूप में। ममता जी खुद गई हुई हैं स्पेन, अभिषेक बनर्जी साहब को आना था, लेकिन चूंकि ऑलरेडी वहाँ रेड और इतना ये सब चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने वेणुगोपाल जी से बात की, उन्होंने और नेताओं से बात की इंडिया गठबंधन की, और फिर उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन सांकेतिक रूप में जो वहाँ पे चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उसके लिए एक वेकेंट सीट उस मीटिंग में रखी गई। CPM के येचुरी साहब ने ऑलरेडी बात कर ली थी, उनका कहीं कुछ और कार्यक्रम था, इसलिए वो नहीं आया। बाकी सारे लोग वहाँ आए। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबकी ये था कि भाई सीट शेयरिंग की बात आज होगी, सीट ये तय हो गया कि अक्टूबर के अंत से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा वहाँ। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक सजेशन दिया, उनका कहना यह है कि जो सिटिंग MP है जिस भी पार्टी का, उस पार्टी के सिटिंग MP की सीट को पे से बातचीत भी ना की जाए उस सीट के लिए, जिसका जहाँ पे जो सिटिंग MP है उस सीट पे कोई बातचीत के दायरे में भी नहीं आनी चाहिए, बाकी सीटों पे बातचीत हो। ये भी डिसाइड हुआ कि विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया, उसकी पहली ज्वाइंट रैली भोपाल में हो। भोपाल का कारण ये है कि आज हमारे मंत्री मोदी जी भी भोपाल गए हैं, भोपाल में भाई इलेक्शन है मध्य प्रदेश के विधानसभा, तो एज अ स्ट्रैटेजी उसको ये अपनी ज्वाइंट एफर्ट को भोपाल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये भी तय हुआ कि जो इलेक्शन लड़ा जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात होगी, ये उसका एक विशेष मुद्दा रहेगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और निर्णय लिया गया कि गोदी मीडिया के वो जो नफ़रती एंकर हैं ना, जो केवल नफ़रत फैलाते हैं, कैसे नफ़रत मतलब वो, उनको चिन्हित करके जो इंडिया गठबंधन है उसकी सारी पार्टियों का कोई भी प्रवक्ता उनके शो में नहीं जाएगा। तो शो में नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने दिक्कत होगी उनको TRP की। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन का मामला धीरे धीरे कुछ मजबूत होता जा रहा है। तीसरी बात, क्या तेलंगाना की रैली चुनावी नतीजे तय करेगी? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तेलंगाना में तीनों पार्टीज, BJP, BRS और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी 17 सितंबर को, जो मोदी जी की बर्थडे भी है, विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये तीनों पार्टी तेलंगाना में उस दिन एक बड़ी रैली कर रहे हैं। तीनों अलग अलग कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे के राइवल जैसे हैं, यहाँ कॉम्पिटिटर हैं। ये 17 सितंबर की सिग्निफिकेंस ये है कि 17 सितंबर 1948 में भारत ने हैदराबाद स्टेट को एनेक्स किया था, और उसी की याद में ये बात मनाई जाती है। इसको BJP पिछले साल भी इसको उन्होंने इस 17 सितंबर को मनाया था, और उनके सामने एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। जब ये 1948 की बात याद दिलाते हैं तो याद दिलाते हैं उस नफ़रत की, याद दिलाते हैं कि ये रज़ाकर और उन्होंने क्या, ये कोई प्रेम सौहार्द की बात नहीं याद दिलाते हैं, और इसको ये कुछ विजय पर्व के रूप में मनाते हैं कि मतलब एक विशेष समुदाय के ऊपर दूसरे समुदाय के विजय के रूप में उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। इस बार की जो रैली है उसकी उम्मीद यह है कि उसके मुख्य वक्ता अमित शाह साहब होंगे। दूसरा BRS, चंद्रशेखर राव साहब ने भी ऐलान किया है कि 17 तारीख को एक उनका भी बड़ा कार्यक्रम होगा। पिछले साल उन्होंने ये कार्यक्रम नहीं किया था, लेकिन अब तो चुनाव सिर पे है, अब तो चुनाव 2 महीने बाद है, तो वो
चुनाव कम जनजागरण रैली तो करनी ही है, और तीसरे इसमें जो एक्टर हैं, जो प्लेयर हैं, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने तेलंगाना के प्रति, कांग्रेस संवेदनशील है, चाहती है कि तेलंगाना उसके हाथ से जो निकला था फिर वापस आए, विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और उसमें कांग्रेस ने क्या किया है कि उसने 17 तारीख को अपनी सीडब्ल्यूसी जो नई सीडब्ल्यूसी बनी है उसकी बैठक हैदराबाद में रखी है, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ी रैली भी वहीं होगी, और उस रैली को मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन होंगे वो सोनिया गांधी जी एड्रेस करेंगे। तो तेलंगाना की बात इसलिए कि तेलंगाना में उस दिन ये भी पता लगेगा, तीनों दलों की रैली एक ही दिन है, किसके पास कितना दम है, किसके पास कितना दमखम है। बीआरएस की तो मतलब एक तरह से सरकारी उन्हीं की है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तो इन सब साधन के बाद भी ग्राउंड पे रैली किसकी बड़ी होती है, ये भी कुछ ये दिखाने लगेगी, कुछ इंडिकेशन दे सकती है कि तेलंगाना आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरफ उसकी धारा को या उसका किस तरफ रुझान है, इस पर कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।